टकर तुमको देखूं, एक टकर चांद नहीं है, कुछ समझते नहीं है, आज सारी जनता समझेगी। माइंड योर लैंग्वेज, ठीक है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। सो आज है करवा चौथ, सो हैप्पी करवा चौथ टू ऑल ऑफ यू। बाकी अभी इवनिंग के बज रहे हैं 5 एंड 5:30 से लेके 7 बजे के बीच जो है पूजा का टाइमिंग है, तो उसी बीच में कथा कर लूंगी। बाकी मॉर्निंग में मैंने थोड़ा सा पूजा करी थी, तो अभी थोड़ा बहुत टाइम था तो मैंने सोचा रात के खाने की प्रिपरेशन कर लेते हैं। सो फिलहाल तो अभी इधर मैं चाय बना रही हूँ, जो कि मैंने बंद कर रखी है बिकॉज पापा थोड़ा सा काम से बाहर गए हैं। एंड इधर बन रही है कढ़ी, जो कि अभी धीरे धीरे कलर आएगा, अभी आया नहीं है। एक्चुअली मैं कल ही हम लोग गाँव से आए हैं नैविक का मुंडन वगैरह करा के, तो ये चाची ने दही पैक करके दी थी जो कि बहुत खट्टी है। फिलहाल तब तो सही थी, पता नहीं क्यों रास्ते भर में खट्टी हो गई। सो अब ये हुआ कि भाई उसका करे तो करे क्या, तो फिर मैंने सोचा उसका जो है कढ़ी बना देते हैं। तो फिलहाल कढ़ी बन रही है, कढ़ी में डालने के लिए पकौड़ी की तैयारी, इसमें भी मिर्ची डालनी है। फिलहाल तो यही है, इसके साथ ही चावल बना दूंगी, रोटी कर दूंगी। एक्चुअली मैं कल ही आए हैं और अभी 2-3 दिनों से ऑलरेडी हैवी हैवी चल रहा था, तो कुछ इतना मन भी नहीं है, और आज फास्ट भी है तो और बिल्कुल मन नहीं कर रहा। चलो अभी फटाफट से इसको निपटाते हैं, देन पूजा वूजा करते हैं, फिर रेडी भी होना है। एंड यस गाइस, मैंने मेहंदी गांव में ही लगवा ली थी, मुझे पता था यहाँ आते ही काफ़ी हेक्टिक हो जाएगा, तो सही अच्छी खासी चढ़ भी गई है मेहंदी। तो यार कैसी भी लगा लो, चढ़ने के बाद अच्छी ही लगती है। इधर से जो है चांद निकलेगा तो यहीं पर करूँगी पूजा वूजा। मम्मी ने जो है पूरा झाड़ वाड़ दिया है। मम्मी थक गई होंगी, चाय पी लीजिए, चाय चाय। One hour later. So guys, अभी मैं हो गई हूँ रेडी, बाकी चांद वान भी निकल गया है, पूजा की थाली भी तैयार है, तो चलो भी फटाफट से पूजा करते हैं। खड़ा करने के लिए स्टैंड लगाते हैं। अच्छा। यहाँ लेकिन लाइट नहीं आ रही ना, ज़्यादा लाइट नहीं आ रही। चलो कोई नहीं, काम भर का आ रहा है फ्लैश। अगरबत्ती ले लो, ले अगरबत्ती। हंसी इसलिए आती है ना कि एक दिन इज्जत देनी पड़ती है, बाकी नहीं तो। अच्छा, एक टकर तुमको देखूं, एक टकर चांद, ऐसे कुछ। यार मेरा सब आउट हो रहा है, कैसे हो रहा करते कुछ एक गाना है ऐसा, एक तो आप देखो। पिछली बार चलने चल गई थी ऐसे, नीचे करो ऐसे, ऐसे यार रखो, ऐसे करते हैं वैसे तो, लेकिन चलनी चल नहीं चलेगी ना, खट से देख के हटा दो। अब दिख रहा हूँ, बिल्कुल क्लियर है, बढ़िया यार। ये तो शॉट यहाँ कैमरा लगा रहता है, कौन है बढ़िया हो तो है। खुश रहो, मजा आ गया है। अब पता है सुबह सुबह दिन भर लगता है, शाम को तो डाउन होता है। दो भैया खाओ, नहीं लग रहा है, खा लो, खा लो, खा लो यार, खाओ। नहीं नहीं, ये है एक छोटा चुटकी भर है। हाँ चलो, हो गया, हो गया, अंदर पी लेंगे, हो गया। अच्छे से छू लो,
अभी क्यों दबा रही हो पैर? रोज तो दबाती नहीं हो, एक दिन दबा के तुमको हो जाएगा सब। रोज रोज मम्मी दबाइल करता। कोई बात नहीं, अभी तो जाएंगे, चला था जब थक गई तब देखा जाएगा। कहा अभी तो जाएंगे चल लाला जब थक जाए तब अबहिन से प्रैक्टिस करेबी तब न करी। छोटे बच्चे पाल लेने अभी हमारा The next day. Good morning guys. So Diwali is just around the corner. मेरा प्लान है घर के सारे कर्टन को धुलने का। आज पता है नाश्ते में बनाया खिचड़ी, जो कि गूगल को बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे नहीं पसंद है। हाँ, आप लोगों को पता है गूगल बहुत अच्छी बच्ची हो गई है। गूगल खिचड़ी भी खाती है और वो लंच में भी लेके जाएगी, खा के भी आएगी। पता है सन्ने गूगलो, आप खा के आओगे ना अच्छे से। गुगलो, अच्छा मम्मा कल बना देगी, ठीक है पनीर? अच्छा ठीक है, खिचड़ी खा लूंगा। फिर से बोलो, फिर से बोलो, फिर से बोलो। अच्छा ठीक है, आई लव यू, खा लूंगा। ठीक है। सो गाइस, गुगलो जो है बहुत ज्यादा जो है टीवी देखती है, तो वी थॉट कि यार अभी बड़ी हो रही है। मैं सर्च कर रही थी कि कुछ ऐसा यू नो चैनल हो जिससे उसकी नॉलेज भी बढ़े, कुछ सीखने को मिले। तो अभी मॉर्निंग में मैं यही कर रही थी, तो जस्ट मुझे ये चैनल मिला पीकाबू किड्स करके। मतलब यार ये चैनल केवल बच्चों के लिए नहीं, हमारे लिए भी चाहिए। मतलब काफ़ी सारी चीज़ें मुझे नहीं पता थी, वो मैंने देखी, तीन चार वीडियो देखी, तो काफ़ी सही है। मतलब डेली लाइफ में जैसे बच्चों को नहीं पता, काफ़ी सारी प्रॉब्लम ही फेस करते, लाइक शुशु रोकना, पॉटी स्टॉप करना, या कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा पीना, बाहर का चीज़ें खाना। तो उन सब चीज़ों से क्या इम्पैक्ट होता है बॉडी पे, बॉडी फंक्शन कैसे वर्क होते हैं, लाइक वर्कआउट की ज़रूरी है, बहुत सारी चीज़ें जो कि हम उन्हें डेली नहीं बता पाते हैं, है ना। तो वो वीडियो के थ्रू काफ़ी यू नो इंटरेक्टिव वे में समझाया गया है, तो काफ़ी सही लगा मुझे। हल्दी ख़त्म हो गई थी, तो ये देखो मैंने हल्दी सुबह सुबह पीसी है सील पे, एंड मेरी हल्दी जो घर की कूट कूट के रखी है मम्मी ने, यार इसका पाउडर बनाऊँ ना तो पाउडर हार्डली इतना बनेगा, एंड आई थिंक 1.5-2 महीने चलेगा। बट यू वोंट बिलीव, मतलब इसमें की जो ये पीसेस कटे हुए हैं ना, 3 या 4 पीस लेके गई थी, एंड उसमें इतना सारा बन गया है। तो यार थोड़ा सा एफर्ट लगाना है एंड ये ऐसा हो जाएगा। एक तो ज़्यादा चलेगा भी, प्लस टेस्ट भी बढ़िया आ रहा है, मतलब खुशबू प्रॉपर आ रही है, नो डाउट भाई। सो बस अभी गूगल भी स्कूल चली गई है, एंड पापा ने बोला कि वो परेशान होना है, मतलब विंडो के उतने गंदे नहीं हुए हैं, तो जितने भी जो ना दरवाजे वाले कर्टेन हैं वही धुल लेते हैं। नैविक को पापा देखो लेके गए हैं बाहर, वहाँ सामने जो भी कुछ दिन पहले रोड बन रही है ना, वो पूरी बन गई है हमारे प्लॉट के आगे, तो वहीं पर उसको यू नो घुमा रहे हैं। बाकी ये वाला थोड़ा सा हाइट पे था कर्टेन, अब इसको निकाल दिया है, एंड ये साग भी तोड़ के लाए हैं, आई थिंक सरसों है या सरसों पालक मिक्स है, पता नहीं, सरसों ही लग रही फिलहाल तो मुझे। तो ये आज शाम को बनेगा, वैसे दिन के लिए सब्जी बन गई है, साग थोड़ा सा लेट आया है इसी वजह से। तो यार इसमें सबसे हेडेक ये रहता है, ये जो इसके रिंग्स होते हैं ना कर्टन के, उनको निकालने का। सो ये किचन का जो विंडो वाला था उसका भी कर्टन मैंने निकाल दिया, बिकॉज यू नो पूरे किचन में मैं पलटा घुमाती रहती हूँ, तो इधर उधर पूरे निशान बने हुए थे। बाकी मम्मी जा रही नहाने, गर्म पानी आने लेके तैयार। मम्मी गुड मॉर्निंग, गुड कहेंगी सुबह से उठी अभी कर रही गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, चलो
सो कुछ कर्टेंस के रिंग जो है वो निकाल के मशीन में डाल दिए हैं, बाकी कुछ के भी बचे हैं। सो रिंग्स मैं इसलिए निकालती हूँ बिकॉज फर्स्ट टाइम जब मैंने वॉश किया था ना तो मैंने रिंग्स के साथ ही वॉश कर दिया था और काफ़ी सारे रिंग्स जो है उसी में टूट गए थे, मतलब मशीन में टूट गए थे, इसी वजह से हर बारी जो है रिंग्स को निकालना पड़ता है। वॉश करने जा रही, देखो भाई साहब कितना गंदा है। बाकी इधर मम्मी भी लग गई हैं झाड़ू मारने में, ये सब पेड़ वेड़ के पत्ते जो है गिर वेड़ जाते हैं ना, और इधर उतना आते भी नहीं है तो पूरा गंदा बचा पड़ा है। आज मम्मी एकदम चमका देंगी लग रहा। सफाइयाँ करनी पड़ती है ना, बहुत जरूरी। सही बात है, देखा ये कितना कचरा होता है। सही बात, भूल भूल पापा बोलते हैं कुछ करते ही नहीं है उसका। सही बात, अभी किसी से कराए ना फिर पता चले उनको। कोई नहीं, वीडियो बन रही, पापा को पता चल जाएगा आपने झाड़ू लगाया है। पता चलो चाहे, अरे मम्मी इधर ही फेंक रही, क्या फायदा फिर। अरे मैं झाड़ लूंगी, गली में डबल मेहनत होगी, कोई बात नहीं है। ये देखो भाई साहब सिरफल, देखो ये एक सिरफल है, एक ये सिरफल, एक ये, और एक उधर भी है, दिख नहीं रहा होगा शायद। हाँ दिख गया। मम्मी ये सिरफल अभी तोड़ने लायक नहीं है ना? नहीं, अब मई में पकता है। अच्छा, अभी नहीं पकता है। कह रही 6-7 दिख रहा है। हाँ 6-7 ना, 10-12 है लेकिन। अच्छा 10-12 है। देखो भाई मैं सोच रही भर क्यों नहीं रहा, भर क्यों नहीं रहा, इधर ड्रेन पे है। गार्डन में भी काफ़ी सारे नए नए पौधे लगे हैं, अभी उतना गई नहीं हूँ मैं, मुझे उतना पता भी नहीं है, तो किसी दिन जाती हूँ फिर दिखाती हूँ कि क्या क्या लगा है। जब मैं आई थी तो ये वॉशिंग मशीन जो है ये ऊपर रखी थी, मतलब छत पर थी, ये सीढ़ियों के पास रखी थी ताकि धूप ऊप ना लगे, और वहीं से जो है टंकी में ऐसी जैसे यहाँ से पाइप से पानी निकल रहा है ना, वैसी टंकी से पाइप से पानी निकाल देते हैं बकेट में भर के, फिर जो है मशीन में पानी फिल करते थे, फिर धुलते थे। बड़ा मुश्किल था। फिर अभी बीच में पापा ने यहाँ पे सिस्टम बनाया। बाकी इस मशीन की भी थोड़ी कहानी है, मम्मी बताएंगी, मुझे थोड़ा पता तो है बट मैं चाहती हूँ मम्मी अच्छे से बता दे। हम कपड़े धोते दोनों माँ बेटी, कपड़े धोते, तो बेटी बोलती नहीं मैं ना धोऊं, मैं बोलती मैं ना धोऊं, फिर अम्मा बेटी की हो जाती भिड़ा हुआ। फिर मोनू ने बोला, विवेक ने, रुक जा मम्मी मैं गिफ्ट लाऊंगी तुम्हें। क्या लाओगी बेटा? फिर बेटा ने मेरे वाशन मशीन ले आया। अब मेरी मम्मी या सिमो आराधना हाथ से कपड़े नहीं धोएंगी, इसीलिए मेरी मशीन आई गिफ्ट पर। मम्मी कितने साल हो रही होगी इस मशीन को? सिमू की शादी के साल तो आए पहले, 6 महीना पहले हो गया, ना पूरा हो गया, अब 10 माह लगेगा, क्योंकि गर्मी निकाल दी है, सर्दियों में हम लोग का हो गई परेशानी। हम लोग को बेटा मेरा गिफ्ट लाया, तब से वो आसन मशीन में कपड़े धोते हैं हम लोग। थैंक यू निधि। हाँ अच्छा, बेटी थी तो बेटी धोती, हाँ अब बहू आ गई तो बहू धोती है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। थैंक यू दोनों को। ठीक मम्मी, थैंक यू। बेटी मेरी है, बहू भी मेरी है। थैंक यू। ये देखो भाई, आज मम्मी झाड़ू लगाए तो पूरा चार ही वीडियो में आ जाए। हाँ मम्मी दिखाइए, ये देखिए भाई, ये देखिए गाइस, इतना कचरा। मम्मी का काम कुछ समझते नहीं है, कुछ समझते नहीं है, आज सारी जनता समझेगी। सूबेदार साहब समझते नहीं है, समझेंगे। ये देखो सूबेदार ने कितना बेचारी मेहनत करती है, बहुत मेहनत मम्मी। बहुत मेहनत नहीं, इधर पता है मम्मी एसी का भी पानी गिरता रहता है ना, इसलिए सब काई का ही हो गया। कचड़े देखो ये, मेरी समझन को दिखा देना तेरी बाबूआ। हाँ उनको भी पता चल जाएगा मम्मी काम करती है। गूगल को आजकल पेंटिंग का बड़ा भूत सवार है, तो कल बहुत बोल रही थी मुझे वाटर कलर चाहिए, वाटर कलर चाहिए, तो ये ऑर्डर कर दिया था। 35 के पड़े हैं ईच, सो सही है। सो अभी जा रही हूँ बेडशीट चेंज करने, एंड
हम लोगों के रूम का जो बेड था ना वो हम लोगों ने पापा के रूम में कर दिया एंड पापा के रूम का बेड यहाँ पे लेके आया, बिकॉज जब से नेविक हुआ है ना थोड़ा सोने में दिक्कत हो रही थी, मेरा भाई बेड थोड़ा सही हो और चौड़ा चाहिए, तो पापा के रूम का काफ़ी अच्छा खासा चौड़ा था, इसी वजह से हम लोग ये वाला ले आए। इन तीनों को हम लोग जो है, ये तीनों अलग अलग हैं तो इन तीनों को जो है ज्वाइन कर देते तो अच्छा खासा एरिया हो जाता है। अब वीडियो बना लो एकदम साफ। वीडियो बना लूँ? बना लो, साफ हो गया है। वाह मम्मी वाह 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 मम्मी वाह मम्मी, थैंक यू। वीडियो बना ले सही मम्मी, एकदम बढ़िया चमका दिया है। मम्मी को तो मैं ऐसे ही समझ रही थी भाई, मम्मी तो बहुत तुम्हारे गाना झाड़ू वाली ऐसे दिखा रहे हैं, देखो और वहाँ है। सो भी बेड सेटअप हो चुका है, बाकी लाइट नहीं आ रही है तो मैं जा रही हूँ नेविक को नहलाने, उसको फीड इट कराऊंगी एंड देन उसके बाद कंटिन्यू करेंगे वर्क। आ जा लड्डू, नाई नहीं नहीं करनी है, पी लो। ये लड़का जितना पीता नहीं उससे ज़्यादा तो गिराता है। बाकी सॉलिड में उतना ये ले नहीं रहा है, दाल वगैरह ही जो है मैं देती हूँ। गाय का दूध जो है मैंने कंटिन्यू कर दिया है, इसको रोज़ देती हूँ तो थोड़ा थोड़ा पी लेता है। हाँ हाँ दीदी की साइकिल पे बैठा है क्या नैविक? और बाबू साइकिल चला रहा क्या? ट्रायल हो गया लड़के का, अब लड़का कल से साइकिल चलाएगा। सो अभी 1:30 बजने वाला है, इधर ये सब्जी सुबह ही बना दी थी तो अब इसको गर्म कर रही हूँ, आलू और फली की है एंड इधर रोटी बन रही है। रोटी आजकल जो है चाची लोग इंस्पायर्ड रोटी बना रही है, मतलब जैसे वो लोग नहीं तवे पे फुला के बना रहे थे उस टाइप से, पापा बोल रहे थे बड़ा स्वाद आ रहा था रोटी में तो मैं ट्राई कर रही हूँ। भूल जा भूल जा भूल जा, चलो ठीक है। मैंने सोचा वीडियो बन रही तो पक्का फूलेगी नहीं, लेकिन चलो फूल गई, थोड़ी जल गई, कोई नहीं। दे रही हूँ खाना, ये कह रही हूँ दही लोगे? ले लो ना दही, थोड़ा सा ठीक है, दही मूली हाँ सही है, मूली है घर की है। चलो निकाल देती हूँ, निकाल देती हूँ, घुसा दो ऐसी आप भी करते हो ठीक है, ऐसी आप भी करते सिनेमैटिक लेता हूं, सिनेमैटिक। बस रहने दो, सिनेमैटिक लेते हो कि या तो मेरी नाक दिखती है या तो मेरे दांत दिखते हैं, तो सुधारो ना किसको, नाक दांत को? आज जो है दही भी गड़बड़ जमी है, मतलब बड़ी ढीली ढीली सी हो गई है। खिलाओ ना तुम, टाइम सुबह से 2 सेब खाया हूँ बस, तो आपकी गलती है। तो इतना नहीं चाहिए दीदी मुझे दही, ठीक है ये कह रही हूँ यार, माइंड योर लैंग्वेज ठीक है, कोई बात नहीं। वीडियो बन रही है ठीक से बोलो, वो ठीक हो जाएगा सब वो ठीक है बिनवा, ये कह रही हूँ कि क्या कहते हैं यार खिचड़ी तो बनी थी, आपकी गलती, आपने क्यों नहीं खाया? इसमें तुमने सलाद नहीं दिया, सलाद ये है ना, ठीक तो है दही, दही ठीक है, मतलब मेरे कहने का था कि दही थोड़ी ढीली हो गई है। आज चावल इसलिए भी नहीं बनाए कि सुबह खिचड़ी बनाई थी एंड इसलिए भी नहीं बनाया बिकॉज 2-3 दिनों में जो है मम्मी पापा का शुगर टेस्ट होना है दिवाली से पहले, तो अभी 2-3 दिन चावल वावल नहीं बनेगा, थोड़ा साधारण खाना ही रहेगा। 3 hours later. So, कर्टन वगैरह सूख चुके हैं, बाकी अभी जा रहे हैं उनको लगाने एंड ये इधर मैट थी है ना, जब से बिछाई है ना तब से वॉश नहीं की थी, हमने कहा लग गया तो इसको भी वॉश करते हैं, अभी इसको चल देते हैं। सबसे भारी काम यही था इसको निकालना, नहीं पापा मैं सोची सारे इकट्ठे सूख जाए तभी लगाऊंगी। ये बस एक कमरा संभाल सकती है बस, ज्यादा नहीं, नहीं संभाल सकती एक कमरा दे दो, उसी में कह दो, उसी में सब करो, बस उसी में हो पाएगा। कलर सब लिख ले दिया तो क्या, सारा कलर कर दिया क्या? वाह मेरे शेर, गुड बॉय। 1 hour later. कल सुबह फिर? हाँ। अभी तो बंद थी, कल मॉर्निंग में खुल जाएगी। बबल गन? हाँ बबल गन।
पापा ने आपको उल्लू बना दिया। उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। पहले तो बिल्ली के बाद बेटा। ओ पापा जी, अब मैं अपना काम करूँगा। अब जाओ। मेरा काम हो गया, मैंने कल बोला था ना। तो भाई आज सडन जो है नॉनवेज का प्लान बन गया, चिकन बनाए हैं, मिस्टर मोहन ने बनाया। बाकी मम्मी का बना दिया है साग सरसों का। चिकन का लुक दिखाती हूँ। एंड आज ये जो है इसका बिग बॉस का फर्स्ट एपिसोड हम लोग देख रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने कोई भी एपिसोड नहीं देखा, खाली बैठे थे सारे। तो ये बस भाई बिग बॉस ही देख रहे हैं। चलो भाई खाना वाना खा लेते हैं। सो ये रहा चिकन। देखो चावल बनने वाला था नहीं, बट मेरे से बिना चावल के खाया नहीं जाता नॉनवेज। तो चावल बना लिया फिलहाल। सो ऑलराइट गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। होप यू लाइक दिस व्लॉग। विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन बाय बाय।